हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका ट्रेवलॉजर विकास में। भाइयों, पिछली वीडियो में हमने दर्शन किए थे माता पूर्णागिरी धाम के, और आज की वीडियो में हम दर्शन करने वाले हैं सिद्ध बाबा मंदिर के, जो कि माता पूर्णागिरी के दर्शन की बात करना जरूरी है, अन्यथा पूर्णागिरी धाम यात्रा सफल नहीं होती, ऐसी यहाँ की मान्यता है। भाइयों, आज हमारा टनकपुर में है दूसरा दिन, और आज हम आपको नेपाल के ब्रह्मदेव कंचनपुर स्थित सिद्ध बाबा के दर्शन कराने वाले हैं, जो कि टनकपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर शारदा नदी के दूसरी साइड में स्थित है। वैसे सिद्ध बाबा के कई स्थान हैं, कुछ टनकपुर के आसपास और कुछ मंदिर नेपाल में हैं। इसकी क्या कहानी है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आगे, बस आप चिपके रहिए इस वीडियो के साथ। भाइयों, टनकपुर कैसे पहुंचना है ये हम अपनी पिछली वीडियो पूर्णागिरी धाम वाली में बता चुके हैं। टनकपुर से ब्रह्मदेव नेपाल तक कैसे पहुंचे, बॉर्डर चेकिंग में क्या बोलना है, नेपाल की मार्केट कैसी है, कुछ सस्ता है कि नहीं नेपाल में, आपको ऐसे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो भाइयों, सवेरे सवेरे हमने पकड़ लिया टेरी यानी ई रिक्शा बस स्टैंड से शारदा डैम के लिए। अगर शेयरिंग में जाते हैं तो 20 से 30 रुपए लगेंगे, और पूरा बुक करके ले जाते हैं तो 80 से 100 रुपए लग सकते हैं। ट्रेरी वाला आपको उतार देता है ब्रिज के इस पार, तथा ब्रिज पार करने के लिए 20 से 30 रुपए लेते हैं बाइक वाले, जो कि आपको सिद्ध बाबा मंदिर ब्रह्मदेव की मार्केट में उतार देते हैं। लेकिन हमने पैदल ब्रिज पार करने का निश्चय किया, क्योंकि नदी का नजारा लेना है तो पैदल ही पार करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले में स्थित बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा छोटा सा शहर, जिसका नाम है टनकपुर। टनकपुर जो है वो कुमाऊं रीजन का द्वार माना जाता है। तो अभी हम जो चल रहे हैं ये है नेपाल और भारत का बॉर्डर, और अभी हम जा रहे हैं सिद्ध बाबा मंदिर के दर्शन करने। इस साइड में जो बह रही है ये है शारदा नदी, और ये शारदा नदी पर बैराज बना हुआ है। ये पूरा बैराज जो आप देख रहे हैं शारदा नदी पर बैराज है। क्या शानदार नजारा है भाई, जबरदस्त, बहुत ही प्यारा, मजा आ गया। ब्रिज पार करते ही आपकी चेकिंग होती है, जिसमें आपकी आईडी और अन्य डॉक्यूमेंट्स की मांग की जा सकती है। तो अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस, पासपोर्ट आदि कैरी करना ना भूलें। चेकिंग वाले पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, तो सीधा बता दें कि हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम आ चुके हैं नेपाल के अंदर, और ये मार्केट जो आप जो देख रहे हैं ये सारी नेपाली मार्केट है। यहाँ पर सिद्ध बाबा मंदिर है, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। बाकी का आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं सारे रेस्टोरेंट और ढाबे हैं यहाँ पर, और छोटी छोटी दुकानें भी हैं शॉपिंग करने की। भाई, सुबह का समय है इसलिए यहाँ की मार्केट अभी बंद है, कुछ ही दुकानें खुली हुई हैं। यह एक छोटा सा गाँव है नेपाल का, और उसकी ये मार्केट है। सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि मार्च से भीड़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि पूर्णागिरी धाम के मेले की शुरुआत हो जाती है, जो कि चैत्र नवरात्रों के बाद तक रहती है। अभी सीजन ऑफ है तो यहाँ भी भीड़ भाड़ कम ही है। भाइयों, इस मार्केट में आपको बच्चों के लिए खिलौने, कपड़े, रजाई, कंबल, गिफ्ट आइटम, बैग, लेडीज पर्स, ढाबे, रेस्टोरेंट आदि मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ सस्ता मिल जाए इसकी उम्मीद मत करना। यहाँ पर ऑटो भी खड़े रहते हैं, अगर आपको नेपाल के अंदर जाना है तो इन ऑटो के माध्यम से जा सकते हैं। बाबा सिद्धनाथ देवी पूर्णागिरी के भक्त थे, जो नित्य देवी के दर्शन के लिए दरबार में हाजिरी लगाते थे। एक दिन देवी पूर्णागिरी अपने शयन कक्ष में श्रृंगार कर रही थी कि इस बीच अचानक बाबा सिद्धनाथ देवी के कक्ष में प्रवेश कर गए, जिससे क्रोधित होकर देवी ने बाबा के शरीर के टुकड़े कर हवा में उछाल दिए। जब देवी को पता चला कि कक्ष में प्रवेश करने वाला कोई और नहीं उनके ही अनन्य भक्त बाबा सिद्धनाथ थे, तो देवी को पछतावा हुआ, और देवी ने बाबा को वरदान दिया कि मेरे दर्शन के बाद बाबा सिद्धनाथ के दर्शन से ही श्रद्धालुओं की यात्रा और मनोकामना पूर्ण होंगी। बताया जाता है कि बाबा सिद्धनाथ के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ अलग अलग रूप में उनके मंदिर स्थापित हुए। तो दोस्तों, इस वक्त हम आ चुके हैं सिद्ध बाबा मंदिर के अंदर, और सिद्ध बाबा मंदिर के हमने दर्शन कर लिए। यहाँ पर मंदिर में बहुत ही ज्यादा शांति है, बहुत ही ज्यादा मतलब सफाई भी है। अभी हम चलेंगे पंडित जी से बात करेंगे, वो कुछ जानकारी देंगे इस मंदिर के बारे में। सिद्ध बाबा को संदेश महादेव बोलते हैं,
और नाथ राष्ट्र के अनुसार 49वां नंबर में जो नाथों का नागनाथ है उस नागनाथ के नाम से प्रचलित है। पूर्णागिरी माता का दर्शन करने के बाद यहाँ आना जरूरी है, यहाँ आने के बाद मनोकामना पूरा होता है, ये प्राचीन परंपरा के अनुसार नाथों के अनुसार नागनाथ बोलते हैं इसको। अच्छा। सिद्धनाथ बोलते हैं, नागनाथ बोलते हैं। गिरी नामाओं के अनुसार इसको बोलते हैं सिद्ध बाबा। चंद्रेश्वर महादेव भी बोलते हैं, सिद्ध बाबा भी बोलते। तो ये किसी का अवतार थे, रूप थे किसी? ये रुद्र रूप, रौद्र रूप मतलब शिव जी के रूप थे। अच्छा अच्छा। माता पार्वती का रूप जो पूर्णागिरी है ये शिव जी का रूप है। इससे भी आगे स्थान है 3 किलोमीटर दूरी में सिद्ध बाबा का, हल्ला में संतनगर बोलते हैं। उससे आगे 4-5 किलोमीटर आगे पूर्णागिरी के सामने वार टापों में त्रिशूली बोलते हैं उसको। भाई अब जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है सिद्ध बाबा मंदिर, और जो मेन गर्भगृह है वो यही है, और साथ में इसके प्राचीन स्थान है वो भी जो रेड कलर का है, जहाँ पर प्राचीन बना रखा है। तो पंडित जी से हमने बात करी है तो उन्होंने कुछ जानकारी दी है इस बारे में। बाकी लोकेशन बहुत ही प्यारी है, बहुत ही हरियाली है चारों तरफ, और जो मंदिर जो है मतलब पूरे नेचर के बीच में है। भाई दर्शन करने के बाद हमने खोज की एक वेज रेस्टोरेंट की। वैसे तो ज्यादातर रेस्टोरेंट पर लिखा है शुद्ध शाकाहारी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। यहाँ की एक रेस्टोरेंट में हमने यहाँ की प्रसिद्ध चाउ चाउ मैगी ऑर्डर की, देखते हैं क्या खास है इसमें। तो भाई हमने ले ली है मैगी और टेस्ट करके देखेंगे, थोड़ी चटपटी सी लग रही है। ये मैगी जो है वो नेपाल की मैगी है, इसको चाउ माउ ऐसे नाम बताया था। भाई बहुत तेज है इसमें मिर्च। तो भाइयों मैगी खाने के बाद हम हो लिए वापस टनकपुर की तरफ बाइक के द्वारा। लौटते वक्त बॉर्डर पर चेकआउट करके पहुंच गए टनकपुर में स्थित शारदा नदी के घाट पर। घाट पर जाकर देखा तो वहां कुछ स्थानीय बच्चे नदी में स्नान कर रहे थे। हालांकि मौसम गर्म है लेकिन पानी ठंडा था। हमने सोचा कि हम भी नहा लें, लेकिन हमारे पास उचित कपड़े नहीं थे। घाट देखकर हम वापस चल दिए कुछ ही दूरी पर स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर के दर्शन के लिए। ये है दोस्तों पंचमुखी मंदिर भोलेनाथ जी का। ये रास्ता गया है नीचे, इधर आगे जाएंगे तो शारदा नदी बहती है। भाई यह मंदिर कुछ 150-200 साल पुराना बताया जाता है। बताया जाता है कि यहाँ के शिवलिंग पंचमुखी हैं, जो कि 200 साल पहले शारदा नदी में तैरते हुए 3 व्यक्तियों को मिले थे। इन्होंने यह शिवलिंग यहाँ स्थापित कर पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कि इस सिद्ध शिवलिंग की विधिवत पूजा करके जो भी मांगा जाता है वो जरूर पूरा होता है। तो वैसे आज हमारा लास्ट डे है और हम जा रहे हैं दिल्ली के लिए, तो मैंने सोचा चलो पंचमुखी महादेव जी के दर्शन कर लें। तो सामने आप जो देख रहे हैं ये महादेव जी मंदिर है, प्राचीन मंदिर बताया जाता है। बहुत क्या जाता है कि ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और इसके बारे में यहाँ की जो लोकल लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, तो वो भी बताएंगे कि इस मंदिर की क्या खासियत है और क्या मतलब यहाँ पर मान्यता है। 100 साल से लगभग ऊपर ही हो गए होंगे। मेरे ससुर और एक दो उनके दोस्त एक बाबा जी इनको मिले थे शिवलिंग। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पर सब लोगों ने, बाजार वालों ने, सब लोगों ने इनमें स्थापना करी। तो कितने साल पुराने मंदिर है ये? 100 साल लगभग हो गया। 100 साल यानी आपकी 2 पीढ़ी पहले का है। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपके ही परिवार के लोगों ने स्थापित किया था? हाँ, मेरे ससुर ने, उनके ससुर दोस्तों ने। ये 5वां शिवलिंग है, इसमें 5 मुख है। 5 मुख है इसमें? हाँ, 5 मुख है इसमें। हाँ, बहुत सिद्ध मंदिर है ये। अच्छा। यहाँ के पिथौरागढ़ के, दिल्ली के। तो इसमें 5 मुख कैसे, मतलब अलग 5 मुख अलग अलग अपने बने हुए हैं, जैसे 1, 2, 3 4। दर्शन के बाद हमने खाना खाया बस स्टैंड के पास ही पंडित के ढाबे पर, 100 रुपए की थाली। उसके बाद बस स्टैंड पर आकर पकड़ ली दिल्ली के लिए बस। तो भाइयों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।